मुझे बिना काम करने का रास्ता मिल गया है प्रिया। साथ दोगे ना मम्मी? हमें पता था मम्मी, हमें पता था हमारी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू। You look like angel. आज मेरे और अर्जुन की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, एक हैप्पी मोमेंट है। और आज के दिन थोड़ी मस्ती ना हो, डांस ना हो, पार्टी ना हो, तो सब अधूरा सा है, राइट? तो ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? तो आज के फंक्शन की शुरुआत मेरे और अर्जुन के डांस से होगी। So let's enjoy together, party! अभी वक्त है, सगाई रोक दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर हम पछतावे की आग में चलते रहे। आप उन्हीं रोक दे सगाई, बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बेटी का सपना पूरा करके माँ खुश होती है, पछताती नहीं। और ये हमारी विद्या का सपना है, बस अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। अर्जुन चलो हम चल के स्टेज पे डांस करते। नो प्लीज नेवर। यशोदा जी, कहीं इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? राम भला करे, कुछ नहीं होगा फिर हमारा। अर्जुन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या हुआ मेरी आवाज को? क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि वो डांस करने तो तुम जाओगी तो सब तुम्हें देखेंगे ना, कोई देखेगा ही नहीं। क्या है ना कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो तो मेरी तरफ कोई दिखेगा नहीं ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मैंने दो तीन ठंडे ग्लास शरबत के पीछे ठुक गया, खराब हो गया। ओहो शरबत, मुंह में पानी खा गया। अच्छा ठीक है, चलो हम चल के डांस करते हैं साथ में। नो नो नो, इट्स ओके, जाओ तुम जाओ, मैं आता हूँ। क्यों क्या? अर्जुन भैया, आपका लक्ष्मण है ना आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब इस तेल की फर्श पे तुम डांस नहीं स्केटिंग करोगी अनु?
तब आएगा मजा। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हाँ भाभी, आके मैं कुछ तो कर रहा हूँ, आपने तो हाथ ही खड़ा कर दिया। अश्विन, अगर वो देख लेती तो? देख लेती, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाभी देखिए, मैं आपके और अर्जुन भी दोनों के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। ओ अश्विन, अब अगर तुमने ड्रामे की शुरुआत कर ही दी तो इस ड्रामे को आगे मैं पढ़ा देती हूँ। नानी, क्या हुआ अनु? ले आओ, नया नाटक शुरू। नानी देखिए ना, पूरे स्टेज पे इतना सारा तेल गिरा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि मैं शायद स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस दूं। राम भला करे, ऐसा कर कौन सकता है? और कौन कर सकता है, इस घर में तो बस एक ही है, मिश्री। अनु तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मिश्री भला ऐसा क्यों करेगी? बिल्कुल सही कह रही है मामी आप। क्या कहती हैं आप कि माता रानी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करती, और आपके हिसाब से तो मिश्री बहुत अच्छी है ना? ठीक है, अब इस स्टेज पर तेल गिरा हुआ है और इस पर अब पहले मिश्री डांस करेगी। मिश्री कहाँ है तू? सामने आ, अब इस तेल वाले स्टेज पर तू डांस करेगी। भाभी मैं सबको जाके बता देता हूँ कि स्टेज पे तेल मैंने ही गिराया। नहीं रिया नहीं सुनेगी, वो तय कर चुकी है कि वो सबके सामने हमारा मजाक बनाकर ही रहेगी। I'm sorry भाभी, मेरी वजह से आपको। कोई बात नहीं अश्विन, अब बस हमसे वादा करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर हम भी ऐसा करने लगे तो रिया और हमें फर्क क्या रह जाएगा? क्या हुआ मिश्री, कहाँ मुंह छुपा के बैठी है? बाहर आना, ये सबके सामने परिवार का तमाशा बना देगी, हमें जाना ही होगा। लेकिन तेल पे कैसे डांस करूंगी? मम्मी साथ हो तो अंगारों पर डांस करना मिश्री माइंड नहीं करेगी, ये तो बस तेल है। Thank you.
मिश्री 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 वो एक्चुअली वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं स्ट्रीजर बोलूंगा तो स्टूपिड लगूंगा ना, और सब मिश्री मिश्री बोलते हैं इसीलिए मैं मिश्री मिश्री बोल रहा हूँ। और देखो बहुत बहुत बैड गर्ल है पर डांस तो बहुत अच्छी है ना। ये अब मेरी अन्नू डांस करेगी, देखो देखो देखो, कम ऑन कम ऑन, अन्नू अन्नू अन्नू। लो अनु, भाभी ने तुम्हारी बात सही प्रूफ कर दी। वाकई माता रानी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देती। अब तुम्हारी बात, जाओ डांस करो। प्रिया अब तेरी बात। लगता है दुल्हन को तनिक आराम की आवश्यकता है। अरे आप लोग कहे परेशान हैं? चलिए आराम से नाचिए गाइए, चलिए शुरू हो जाइए। सोदा जी, हाँ जी, हमने सारा मामला सेट कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वेटर को भी मिला लिया अपने साथ। अरे वाह, जरा सोचो बबलू जी, अजनबी घर में तो कोनो भी हाथ मार जाए, हम तो अपने ही घर में अपने ही घर वालों को टटली करके चोरी करेंगे। चोरी पैसों की बरसात में भीगेंगे बबलू जी, भीगेंगे। भला करे, हम तो भला करे, भला करे, भीग रहे। जाओ जल्दी जाओ जाओ। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? वेटर से मालिक बनना चाहते हो? जी सर। तो जो मैं बोलना वो करोगे? बिल्कुल। सारे जूस में ये शराब मिला देना, देखना तुम रातों रात तरक्की कर जाओगे। बबलू अंकल जरूर अपने और मासिक के लिए शराब का इंतजाम करा रहे हैं। नशे में सब सच बोलते हैं, प्रिया भी बोलेगी। हमें उसे धोखे से थोड़ी पिलानी पड़ेगी, पर कैसे? ऐसे थोड़ी इनसे एक बोतल मांग सकते हैं।
पोर्टल मंदिर की तरफ नहीं। ना किसी तरीके से अपनी बेटी की मदद कर ही देती है। थैंक यू मम्मी। श्री अश्विन को तो छोड़ूंगी नहीं। थक गई होगी ना, लो जूस पी लो। हाउ स्वीट अर्जुन, ठीक है तुम यहाँ रख दो, मैं थोड़ी देर में पीती हूँ। हाँ जब आप पेन हो रहा ना। सुनो ना, अब मैं तुम आ गया हूँ तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, है ना। लो जूस पी लो। हाउ स्वीट अर्जुन, देखो ना मिश्री की वजह से मुझे इतना पेन हो रहा है और तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। ला मैं पी लेती हूँ। बेटा गले में कुछ हो रहा है मुझे। ऐसा कीजिए आप ये पी लीजिए, ये लीजिए। हाय मम्मी, इस जूस में तो शराब मिली है। नहीं डालना। सिंदूर की मंद। ये गर्मी। अरे अनु, तूने वेटर्स को देखा क्या? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ नानी, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और बेटा तू तो कमरे में गई थी ना आराम करने के लिए, यहाँ क्यों बैठ गई? नानी पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं यहीं बैठ गई। कहाँ चले गए सब? आपको क्या हुआ? बेटा गले में कुछ हो रहा है मुझे। अच्छा आप ऐसा कीजिए आप ये पी लीजिए, ये लीजिए। अरे लेकिन बेटा। नानी पीजिए ना, ये लीजिए। हाय मम्मी, इस जूस में तो शराब मिली है। क्या हो गया ये? तुम मुझे जूस पीने से क्यों रोक रहे हो? दादी माँ, वो आपको हम जूस पीने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि क्योंकि वो उसमें बहुत सारा बर्फ था। बर्फ था। हम आपके लिए बिना बर्फ का जूस लाते हैं। हाँ हाँ रुक, ये जूस अब तू पी। क्या क्या हो गया ये? तुम मुझे जूस पीने से क्यों रोक रहे हो?
हुआ? तुम दोनों नानी को जूस पीने से क्यों रोक रहे हो? कुछ मिलाया है क्या तुम दोनों ने इस जूस में? वो दादी माँ, वो आपको हम जूस पीने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि क्योंकि वो उसमें बहुत सारा बर्फ था और मैंने दो ग्लास पी के तो मेरा तो गला खराब हो गया। आपकी तो तबीयत ही बिगड़ जाएगी। हाँ हम एक काम करते हैं ना, हम आपके लिए बिना बर्फ का जूस लाते हैं। यस हाँ। रुक, ये जूस अब तू पी। मम्मी, तो इसने सबको शराब पिलाकर यहाँ चोरी कर रहा है, इसे तो हम लंबा अंदर कराएंगे। अब कितनों को अंदर कराओगी मैडम? वो देखो, पूरे फैमिली को कब्जे में कर लिया है। मम्मी, तो इसने सबको शराब पिलाकर यहाँ चोरी कर रहा है, इसे तो हम लंबा अंदर कराएंगे। अब कितनों को अंदर कराओगी मैडम? वो देखो, पूरे फैमिली को कब्जे में कर लिया है।